आज का हमारा टॉपिक है स्पीसीज कंसेप्ट। तो स्पीसीज कंसेप्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीसीज क्या है। स्पीसीज की डेफिनेशन हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली विद वन अनदर एंड क्रिएट अ फर्टाइल और अ वायबल ऑफस्प्रिंग। यानी स्पीसीज क्या है, स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरली आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और आगे जाके एक फर्टाइल या फिर वायबल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं जो फर्दर और आगे जाके रिप्रोड्यूस कर सके। यानी कि स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरली और आगे जाके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आगे जाके और फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकता है फेवरेबल कंडीशंस में। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन इंटरब्रीड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर सेम हो, जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करे और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं स्पीसीज के बारे में। या फिर हम कह सकते हैं स्पीसीज में दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एक्सचेंज जेनेटिक मटीरियल बिटवीन देम। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज कर सके, उसे भी हम कहते हैं स्पीसीज। एक बात याद रखना, हमेशा जो सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स है वही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे। मान लो जैसे कि ये स्पीसीज वन है और ये कोई स्पीसीज टू है, ये स्पीसीज वन के मेंबर्स हैं, ये स्पीसीज टू के मेंबर्स हैं। ये स्पीसीज वन के जो मेंबर्स हैं ये आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्पीसीज टू के इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहे कि स्पीसीज वन का ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज टू के ऑर्गेनिज्म को अगर हम रिप्रोड्यूस कराना चाहे, इंटरब्रीड कराना चाहे, तो वो नहीं कर सकता। एंड इन सम केस अगर वो इंटरब्रीड कर भी जाता है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होगी, वो हमेशा इनफर्टाइल होगी। हमने स्पीसीज के बारे में देखा कि स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं आपस में और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं जो आगे जाके फर्दर रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन कौन, जो सेम इंडिविजुअल है, सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स है वही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज, जैसे कि हॉर्स और डोंकी का एग्जांपल हम देखते हैं। कॉमनली बहुत सारे बुक्स में ये एग्जांपल दिया हुआ है, हॉर्स और डोंकी। हॉर्स एक अलग स्पीसीज है और डोंकी एक डिफरेंट स्पीसीज है। इन दोनों को जब हम इंटरब्रीड करवाते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, वो हमें मिलती है म्यूल, जिसे हम खच्चर बोलते हैं। लेकिन ये जो म्यूल है वो इनफर्टाइल होता है, ये आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। यानी कि स्पीसीज का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सके, आपस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शोज कर सके, इंटरब्रीड कर सके और सेम स्पीसीज के मेंबर हो सके, उन्हें हम कहेंगे कि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर अगर चाहे कि इंटरब्रीड कर सके, तो पहली बात तो प्रोजेनी डेवलप ही नहीं होगी, रिप्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इन सम केसेस अगर रिप्रोड्यूस कर भी गया तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, वो आगे जाके इनफर्टाइल होगी, फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं। हमने स्पीसीज के बारे में तो देख लिया, अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट 20 स्पीसीज कंसेप्ट ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो डिस्कवर किए गए हैं, जिनके अपने खुद के एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लेकिन उन 20 में से 4 ऐसे स्पीसीज कंसेप्ट है जिनको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है पूरे वर्ल्ड में। कौन कौन से, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट और इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। उन 20 स्पीसीज कंसेप्ट में से इन 4 स्पीसीज कंसेप्ट को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब इनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट एक बेस्ट नॉन स्पीसीज कंसेप्ट है। उन 20 में से भी इन 4 को अलग किया गया था, पर इन 4 में से भी जो बेस्ट नॉन स्पीसीज कंसेप्ट है वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, बेस्ट नॉन स्पीसीज कंसेप्ट। इनको साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर ने 1942 में प्रपोज किया था।
अब इसकी जो डेफिनेशन है वो स्पीसीज से ही ली गई है कि स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर एक्चुअली और पोटेंशियली एक्सचेंज जीन्स बिटवीन देम एंड देट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. वही बात स्पीसीज की कि आपस में कैरेक्टर भी उनके सेम होंगे, सेम स्पीसीज के मेम्बर्स की आपस में जीन्स एक्सचेंज करेंगे, वो कहलाएंगे स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अंडर आएंगे. और हाँ, वो स्पीसीज जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज के बारे में बताया गया था. इसकी डेफिनेशन स्पीसीज की डेफिनेशन से ही ली गई है मेनली. और एक बात की जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है, उन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जो स्पीसीज है जिनकी अपीयरेंस सिमिलर है वो आपस में कैसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है फिर भी इंटरब्रीड क्यों नहीं कर पाते, उसके बारे में भी बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में बताया गया था कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड क्यों है. रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यानी ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते. जैसे कि एग्जांपल हम ले फ्रॉग का, नॉर्थन लेपर्ड फ्रॉग और साउथर्न लेपर्ड फ्रॉग है तो लेपर्ड फ्रॉग की स्पीसीज, लेकिन एक नॉर्थ में रह रही है एक साउथ में रह रही है. दिखने में भी बिल्कुल सिमिलर थी, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर थी, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थी, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही थी, इसलिए दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इंटरब्रीड, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती थी. बेस्ट नॉन स्पीसीज है, अर्नेस्ट मेयर ने 1942 में इसे प्रपोज किया था और इसकी डेफिनेशन स्पीसीज से ही ले रखी है कि सेम स्पीसीज के मेंबर आपस में जीन्स जो है वो एक्सचेंज करेंगे, आपस में इंटरब्रीड करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन के बारे में भी इसने बताया था. और इसने ये भी बताया था कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जो स्पीसीज है वो आपस में इंटरब्रीड क्यों नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है, ये भी उसने बताया था. और एग्जाम्पल में उसने नॉर्थन लेपर्ड फ्रॉग और साउथर्न लेपर्ड फ्रॉग के बारे में बताया था. अब ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस. अब जरूरी नहीं है कि सभी एडवांटेजेस और बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के सब चीज परफेक्ट. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इसने जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज के बारे में बताया था कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होने के बाद भी वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है यानी वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो उस स्पीसीज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में ये नहीं बता पाया था कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये आइसोलेट हो रहे हैं या फिर कौन से ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. ये भी नहीं बता पाया था कि ऐसा कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इस मैकेनिज्म के पीछे, ये भी ये नहीं. बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो थी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये सिर्फ जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं के कंसेप्ट के बारे में ये बताता था, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ये नहीं बता पाया. और कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्लांट्स, फंजाई और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में भी ये एप्लीकेबल नहीं था. और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के भी कई केसेस में जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट थे उनको नहीं माना गया था. जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि स्पीसीज सेम मेंबर के जो स्पीसीज है वही आपस में इंटरब्रीड करेंगे, अगर डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीसीज अगर इंटरब्रीड करेंगे तो जो प्रोजेनी होगी वो इनफर्टाइल होगी. लेकिन कुछ प्लांट के केसेस में देखा गया कि जैसे ये कोई प्लांट की फर्स्ट स्पीसीज थी, ये कोई सेकंड स्पीसीज थी, दोनों अलग अलग स्पीसीज थी और आगे जाके जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो जो प्रोजेनी थी वो फर्टाइल प्रोड्यूस हुई यानी वायबल थी. इसी तरह प्लांट में भी बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को नहीं. अब बात करें सेकंड स्पीसीज कंसेप्ट की जो है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट. फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट की बात करें तो फाइलोजेनेटिक वर्ड से क्या याद आता है, फाइलोजेनेटिक से हम कह सकते हैं किसी की फाइलोजेनी यानी किसी के इवोल्यूशन के बारे में, या फिर जो कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे. इसको जर्ल क्राक्राफ्ट ने 1982 में प्रपोज्ड किया था.
अब फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट में बताया गया क्या गया था, इसके हिसाब से मेंबर्स ऑफ ए सिंगल स्पीसीज आर आइडेंटिफाई बाय अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन। इसने बताया था कि सेम स्पीसीज के मेंबर है, सेम स्पीसीज के मेंबर की पहचान हम कैसे करेंगे। इन्होंने बताया था कि जो सेम स्पीसीज के मेंबर हैं उनके बीच में एक यूनिक कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा। सब उन स्पीसीज के जो सेम इंडिविजुअल है, सेम मेंबर है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। ये बताया था फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट में। और इसने मेनली जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था उस पर फोकस किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे इसने स्पीसीज को डिस्टिंग्विश किया था, और मॉलिकुलर फीचर्स के बेसिक पे भी, मॉलिकुलर फीचर्स जैसे कि उसने डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में बताया था, डीएनए सीक्वेंस के बारे में बताया था। इसने बताया था कि सेम स्पीसीज के मेंबर जो है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन शो करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे भी इसने फोकस किया था, और मॉलिकुलर फीचर जैसे कि डीएनए सीक्वेंस के बारे में भी इसने बताया था। और इसने ये भी बताया था कि ए स्पीसीज इज अ स्मॉलेस्ट मोनोफाइलेटिक ग्रुप, स्पीसीज एक सबसे छोटा मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। मोनोफाइलेटिक ग्रुप की बात करें तो जैसे कि हम एक क्लैडोग्राम ड्रॉ करें, ये ए और बी, ए से जो प्रोड्यूस होंगे वो होंगे बी, सी, बी से डी और ई। अब ये जो बिल्कुल रिलेटेड पास वाले जो है, ये इन्हें इसके अकॉर्डिंग, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसे बताया गया था सेम स्पीसीज मेंबर्स। इसके हिसाब से क्या था कि जो ए में जो कैरेक्टर शो हो रहे थे वही बी और सी में भी शो होंगे, बी और सी में भी शो होंगे, और इस बी से जो कैरेक्टर इवॉल्व हो रहे थे वो डी और ई में शो होंगे। तो ये बिल्कुल पास वाले थे, क्लोजली रिलेटेड वाले जो थे, उन्होंने आपस में जो है एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर शेयर किया। और यही फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट में बताया गया था कि हाउ क्लोजली द रिलेटेड इंडिविजुअल आर, कितने क्लोज और रिलेटेड इंडिविजुअल वो है। इसने डीएनए के बारे में बताया था, मैंने ऊपर बताया आपको, सिमिलर कैरेक्टर शो करने वाले और कॉमन एंसेस्टर शो करने वाले, कि जो कॉमन जो स्पीसीज है, जो सेम मेंबर के स्पीसीज है वो यूनिक कैरेक्टर शो करेंगे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में, मॉलिकुलर फीचर के आधार पे इसने बताया था, और ये बताया था कि स्मॉलेस्ट मोनोफाइलेटिक ग्रुप है स्पीसीज, और डीएनए कैरेक्टर और एंसेस्टर के बारे में भी इसने बताया था। अब ये तो हो गए एडवांटेजेस फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट के। फिर जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट भी एक वेल नोन स्पीसीज कंसेप्ट था, मोस्ट कॉमन स्पीसीज कंसेप्ट था, लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ऐसे फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट का भी एक डिसएडवांटेज। अब बात करें फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट के डिसएडवांटेजेस की, तो फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट में यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने चाहिए एक स्पीसीज, सेम स्पीसीज बताने के लिए, ये तो इसने बोल दिया था, लेकिन इसने ये नहीं बताया था कि एक पॉपुलेशन को जब स्पीसीज बोलेंगे तो कितना डिफरेंस होना चाहिए, हाउ मच डिफरेंस बिटवीन एन पॉपुलेशन इज इनफ टू कॉल देम ए स्पीसीज। स्पीसीज बोलने के लिए कितना डिफरेंस इनफ है पॉपुलेशन के बीच में, उसने ये नहीं बताया था। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो कॉटन माउस का एग्जाम्पल लेंगे हम, जो साउथ ईस्टर्न यूएस में पाया जाता है, इसके 6 स्पीसीज पाए जाते हैं। अब बात करें थर्ड स्पीसीज कंसेप्ट की, जो है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट। तो इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट जॉर्ज गैलोर्ड ने 1961 में दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक इवोल्यूशनरी ग्रुप होता है, एक इवोल्यूशनरी ग्रुप होते हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटी पाई जाती है। कैसे सिमिलैरिटी, इवोल्यूशनरी सिमिलैरिटी पाई जाती है, एक इवोल्यूशनरी ग्रुप होता है जिनके बीच में इवोल्यूशनरी सिमिलैरिटी पाई जाती है, ये बताया था इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट में। और सेम इवोल्यूशनरी ग्रुप को सेम स्पीसीज कंसेप्ट किया, सेम स्पीसीज कंसिडर किया गया था, कि जिनके इवोल्यूशनरी ग्रुप सेम है, जिन स्पीसीज के इवोल्यूशनरी ग्रुप सेम है वो स्पीसीज भी सेम है, इन्होंने बताया था। और इसने ये भी बताया था कि इनकी खुद की एक इवोल्यूशनरी यूनिटरी रोल। अब बात करें हमारे फोर्थ स्पीसीज कंसेप्ट की, जो है इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ले वेन वेलन ने 1976 में दिया था। इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग
ईच स्पीसीज ऑक्यूपाइज ए डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल नीके. हर एक जो स्पीसीज है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, तो हर एक अलग अलग स्पीसीज की एक अलग डिफरेंट नीके होती है. नीके यानी अ यूनिक सेट ऑफ हैबिटेट रिक्वायरमेंट. हैबिटेट यानी आवास, यानी कि हर एक स्पीसीज का, हर डिफरेंट स्पीसीज का एक अलग आवास होता है. एक स्पीसीज का एक यूनिक सेट ऑफ नीके होता है. हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है. अब जब कॉम्पिटिशन होता है तो कई इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट नीके में चले जाते हैं, और कई इंडिविजुअल जो है जो कॉम्पिटिशन में जो जीत जाते हैं वो उसी नीके में प्रेजेंट होते हैं, और जो उस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव नहीं कर पाते वो डिफरेंट नीके में चले जाते हैं. तो इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक स्पीसीज की डिफरेंट नीके होती है, ये बताया गया था. और इसमें जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल जो है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में बताया था, और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज के बारे में भी इसमें बताया गया था, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में. तो हमने चार स्पीसीज कंसेप्ट देखी, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट और इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट. बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में हमने स्पीसीज की डेफिनेशन देखी, स्पीसीज के बारे में देखा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में देखा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में देखा, और फाइलोजेनेटिक स्पीसीज, इसके कुछ हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के. हमने फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में देखा. फाइलोजेनेटिक में हमने फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट में हमने मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, डीएनए सीक्वेंस के बारे में देखा. इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट में हमने इवोल्यूशन के आधार पर स्पीसीज को देखा, और इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में हमने नीके के आधार पर स्पीसीज को डिस्टिंग्विश किया. तो ये चार ऐसे बायोलॉजिकल स्पीसीज, चार ऐसे स्पीसीज कंसेप्ट है जिनको पूरे वर्ल्ड वाइड माना जाता है.